आप कोई भी काम करने जाओ, ठीक है, तो सबसे पहले दो बातों को सोच लेना। क्या क्या? एक तो ये कि आप जो काम कर रहे हैं उससे कितना फायदा होने वाला है, ठीक, और कितना नुकसान होने वाला है। कहने का मतलब उपाय और अपाय दोनों आपको सोचना है कि आपके काम करने में कितना बाधा आएंगे और उस बाधा से आप लड़ेंगे कैसे, ठीक। और दूसरा ये कि आप जो काम कर रहे हैं वो कार्य कहीं उदाहरण मत बन जाए ऐसा जो कि आपके देश के लिए अनहित साबित हो, आपके देश के लिए कुशासन साबित हो, ऐसा उदाहरण नहीं बनना चाहिए। और ये मैं नहीं कहता है तो छत्रपति शिवाजी महाराज कहके चले गए, ठीक है। तो आप जब भी कुछ काम करना तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि वो उदाहरण ना बने आपके देश के अनहित के लिए कभी, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा जी, आप सबसे बड़े देशद्रोही माने जाएंगे। उदाहरण दूं एक आध आपको, जैसे मान लीजिए आज लोग कहते हैं, मालूम क्या कहते हैं आज लोग, भलाई का जमाना ही नहीं रह गया। क्यों कहते हैं ऐसा? उन्होंने एक दो बार भलाई किया और उनको धोखा मिला बदले में, और बार बार यही प्रक्रिया चलता रहेगा तो क्या होगा जी, सब लोग धोखा खा करके खुद धोखेबाज बन जाएंगे, तो कहेंगे भलाई का जमाना ही नहीं रहा, और आखिरी में एक धोखेबाज देश को हम जन्म दे देंगे। तो इतना बड़ा अपराध करने से बेहतर कि आप ऐसा कोई कार्य ना करें जो आपके देश के लिए अनहित है, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग ये बातें, ठीक है जी, याद रखना, क्योंकि देश के भविष्य विद्यार्थी होते हैं, और मेरा मानना है कि अगर इनका भविष्य अगर बहुत अच्छा बनता है तो देश का भविष्य अपने आप बहुत अच्छा बन जाएगा, ठीक है जी। चलिए आप लोग मुझे ये बताइए कि हम लोग कल क्या क्या पढ़े थे, ताकि मैं अगला लाइन शुरुआत करूं वहां से। क्या क्या पढ़े थे जरा बताइए, कौन कौन सा टैक्स? मैं कुछ टैग यहाँ पे लिखा था, अभी लिख रहा था जो है, तो आप लोग जो जो टैग कल पढ़े थे जरा उसको बताइए, तो मैं वो भी लिख लेता हूँ कुछ टैग्स, बताइए जी। नहीं बताओगे? बताओगे कौन कौन सा टैग पढ़े थे हम लोग कल? नहीं बताएंगे? थोड़ा तेज बोलिए, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। क्या? हेड को छोड़ दीजिए, दूसरा बताइए, बॉडी को भी छोड़ दीजिए। क्या? मार्क्यू, स्पेलिंग बताइए। एम ए आर क्यू यू डबल ई, मार्क्यू, राइट। तीसरा टैग बताइए, पी। चौथा टैग बताइए, ये चार। पांचवा टैग बताइए, एच माने हेडिंग, ठीक है, वन से लेकर के एच सिक्स तक, राइट। छठवां टैग में क्या बताया था आपने? प्री टैग, ठीक है। सातवां टैग बताइए, बस इतने पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था? और पढ़े थे? इतने पढ़े थे छोड़ दीजिए, आपको नहीं याद आ रहा है तो मुझे क्या। अच्छा हाँ, बी आर। अगला बोलो, सब हम ही बताएं। अगला बी आर के बाद और कुछ पढ़ा था हमने? नहीं पढ़ा था, इतने पढ़े थे, और पढ़े थे कुछ? चलिए जी ठीक है, जब इतने याद आ रहे हैं तो मार्क्यू टैग में कुछ एट्रीब्यूट्स थे, ठीक है, जो एट्रीब्यूट्स को हम लोग एक यहां पे करके लिख देंगे एट्रीब्यूट, और फिर इक्वल टू का साइन देके उसका वैल्यू, ठीक।
एक से ज़्यादा वैल्यू होगा तो यहाँ पे वैल्यू वन लिख देंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे वैल्यू टू लिख देंगे, फिर कॉमा दे के वैल्यू थ्री लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप बनाइएगा, ठीक, तो बना लेंगे आप इस तरह से, और इस तरह से सब में बना देंगे तो आपका एक नोट्स बन के जो है तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी शुरू करते हैं, तो मैं अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ इसको, ठीक है। आप लोग नोटपैड पे ही काम करना, इस पे काम मत करना, ठीक है, हटना, इसको भी लगता है चूना लगाना पड़ेगा, लगा लेंगे जी चूना, हम तो एक्सपर्ट हैं, क्यों, हम भारतवासी हैं जी, पैसा नहीं खर्चा करते सॉफ्टवेयर के लिए, लेकिन ये गलत तरीका है जी। तो मार्क्यू में क्या टैग था, डायरेक्शन था, ठीक है, तो मैं इसमें आता हूँ मार्क्यू में, ठीक है, और एट्रीब्यूट में क्या दे दूंगा, डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन क्या हो सकता है, LEFT हो सकता है, RIGHT हो सकता है, लेफ्ट राइट था, और क्या था, अप डाउन भी था, क्या बात है, आपका याददाश्त बहुत तगड़ा है जी, अप डाउन, चलिए होना भी चाहिए, अप DOWN डाउन, राइट। और इसका क्या है जी, अगला एट्रीब्यूट इसका क्या है, किसी को मालूम, लूप है, ठीक, ये लूप क्या करता है जी, मैं भूल गया, अच्छा ये घूमा, लूपिंग करता है ना, जो कि कितना बार घूमना चाहिए, हाँ। अगला लूप है, ये क्या करता है, इसको जितना हम वैल्यू देंगे, ठीक है, उतना राउंड रिपीट करेगा, ठीक, और इसको कैसे लिखूं कि उतना राउंड रिपीट करेगा, आप लोग समझदार हो जी, समझ जाओगे, ठीक है। और इनफाइनाइट लूप करना है तो क्या करना चाहिए, माइनस वन, इनफाइनाइट का स्पेलिंग बताना आप लोग, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के लिए क्या करना चाहिए, माइनस वन कर देना चाहिए, ठीक, इसको देता हूँ ब्रैकेट में, ठीक है, चलिए जी। फिर तीसरा एट्रीब्यूट क्या है, एक बिहेवियर अलाइन भी है ना, अल्टरनेट स्क्रॉल साइड, ठीक है, तो बिहेवियर ले लेते हैं जी, बिहेवियर क्या है, आ जाओ भाई, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं भाई, उतना पावरफुल आदमी नहीं हूं मैं, कॉमा स्क्रॉल का लिख दिए, स्क्रॉल के बाद स्लाइड है, ठीक है, स्लाइड, ठीक, तो ये एट्रीब्यूट्स हैं इनके, ठीक है। तो इसी तरह से आप लिस्ट बना लोगे, ठीक है, मैं सारा लिस्ट ऐसे ही बनाऊंगा, तब तो मेरा हो गया जी, बीजी कलर, जो कलर यहां पे दे देंगे वो कलर हो जाएगा जी, ठीक है। तो ये क्या करता है जी, बैकग्राउंड कलर बदलता है, आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूं, नहीं आ रहा होगा तो पूछ लीजिएगा, चलिए जी। अगला इसमें क्या है, सीओ येलो आर कलर प्रॉपर्टी नहीं है क्या इसमें, हो सकता है कि टेक्स्ट हो, टाइटल है अच्छा, ठीक है, टाइटल में यहां क्या करेंगे, यहां पे जो टाइटल दे देंगे माउस ले जाने पे दिखाई देगा वो, राइट, सेट टाइटल, TITLE टाइटल, ठीक। अगला प्रॉपर्टी क्या है जी, हो गया यार, इससे ज्यादा हमारे में क्षमता नहीं है कि हम लिखें, डायरेक्शन ये भी लिख रहे हैं, डायरेक्शन तो लिख लिए है ना, क्लास वगैरह, आईडी वगैरह, लैंग वगैरह, इन सब को अभी नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। और क्या, स्क्रॉल अमाउंट है, ठीक है, इसमें आप जो अमाउंट दोगे उस अमाउंट में स्क्रॉल होगा, ठीक है, तो
स्क्रोल अमाउंट ऐसे आप लिख लोगे, ठीक है, हो गया। बाकी आप प्रैक्टिस करना, ठीक है, जो चीज़ें नहीं समझ में आता पूछना, ठीक है। अभी हम लोग इसको इतना ही पढ़ते हैं, इतना ही एट्रीब्यूट लिखते हैं मार क्यू का, ठीक है। मैं आता हूँ यहाँ पे, ठीक है, या फिर इस पर क्लिक करके मैं क्या करता हूँ, प्रीव्यू इन क्रोम करता हूँ, ठीक है। यस, ये घूम रहा है, ठीक है। मैं क्या करूँगा यहाँ पे, बीजी करूँगा, ठीक है, कलर कर दूंगा तो बैकग्राउंड कलर हो जाएगा। और क्या मैं कर सकता, मैं कुछ सोचा था करने के लिए, TEXT RED शायद इस पे ना काम करे, हेडिंग वगैरह में तो काम करता है ये, ठीक है, इसमें मैं जबरदस्ती लिख रहा हूँ तो काम नहीं करेगा, ठीक है जी। तो इस तरह से आप बनाओगे, ठीक है, ये तो मार्क्यू हो गया, ठीक है। ये सब यहाँ पे मैंने टैग लिखा है, ठीक है। टैग लिखने का सिंटेक्स क्या है वो मैं बताया था आपको, थ्योरी में बताया था बोर्ड पे लिख के। पार हो गया क्या पुराना वाला, ये तो बहुत नाइंसाफी है, नहीं मैं जाने नहीं दूंगा। हाँ हाँ है अभी, नो प्रॉब्लम, मैं ऐसे करके नया खोल लूंगा, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं इधर, ठीक है। चलिए जी, ये दोनों है एंगल ब्रैकेट, ठीक है। बेसिक सिंटेक्स देख लेते हैं, फिर से मैं बता देता हूं, कल नहीं बताया आज बता देता हूं आपको, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखते हैं, TAG टैग नेम, नेम का स्पेलिंग ऐसे होता है, यहां पे होता है, ये ओपनिंग टैग है, ठीक है, और यहां पे क्लोजिंग टैग होता है, यहां पे भी टैग नेम लिखते हैं हम, ठीक। यहां पे ऐसे कर देंगे तो ये क्लोजिंग टैग हो जाएगा और ये ओपनिंग टैग हो जाएगा, ठीक है। सारे टैग के क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग होने ही चाहिए, कुछ होते हैं सिंगल ब्लॉक का। लाइफ में इसका क्या काम आता है, क्या लाइफ में इसका क्या काम आता है? दुनिया में जितने भी वेबसाइट्स बनते हैं उसमें HTML का इस्तेमाल किया ही जाता है, HTML के बगैर वेबसाइट बनाना शायद संभव नहीं है। वेबसाइट्स जितना आप देखते हैं ना, वो सारे वेबसाइट्स HTML के जरिए ही बनते हैं। आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, वो ऑनलाइन फॉर्म HTML से ही बनता है। दिमाग खराब इस लाइट का, मैं एक मिनट रुकना, इसको रोक लेता हूँ, अब लाइट आया तब ना। हाँ, शिक्षक से ज्यादा महान विद्यार्थी होता है। शिक्षक जिस बात का सिर्फ कल्पना मात्र करता है, स्टूडेंट उसको प्रत्यक्ष दिखाता है, उस रास्ते पे चल के दिखाता है, रास्ते को बना करके दिखाता है। शिक्षक मात्र कल्पना करता है रास्ते का, लेकिन स्टूडेंट उस पे चल के दिखाता है, तो महान हो गया, क्यों है ना महान। हाँ तो बस, तो टैग नेम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। और टैग नेम लिखने के बाद क्या करना चाहिए, कुछ नहीं। और अगर इसमें एट्रीब्यूट वगैरह देना है ना, तो एट्रीब्यूट स्पेलिंग ये होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आप एडजस्ट कर लेना, सही स्पेलिंग खोज लेना गूगल गूगल से, वैल्यू, ठीक। यहां पे एट्रीब्यूट आप देंगे, ठीक है, और फिर यहां पे वैल्यू आप दे देंगे, ठीक। एट्रीब्यूट क्यों दिया जाता है, जो टैग का डिफॉल्ट बिहेवियर वगैरह है उसको बदल देने के लिए, ठीक है। तो इसको बदल देने के लिए जो है दिया जाता है वैल्यू और एट्रीब्यूट, ठीक। जैसे H1 का, जैसे मान लीजिए बाय डिफॉल्ट H1 है, वो कहां जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा, लेकिन अलाइन एट्रीब्यूट में दे दूंगा तो क्या होगा, ये वाला सेंटर में आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहां पे अलाइन एट्रीब्यूट है, मैं दे देता हूं सेंटर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा जी, ये सेंटर में चला जाएगा, ठीक है। आप जानते हैं, आप सब ज्ञानी लोग हैं, कल भी बता ही दिया था मैं, ठीक है। COLOR color equal to RED, मैं जबरदस्ती दूंगा अपने से तो थोड़े हो जाएगा,
टेक्स्ट ये क्यों खुल रहा है, ये खुलना चाहिए। अच्छा मेरे कह देने से तो होगा नहीं, ये इसको भी देखते हैं। लेकिन काम करता था, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अभी कर क्यों, मैं भूल रहा हूँ, मेरे को ये स्टाइल देना चाहिए ना। बात सही कह रहे हो यार, मेरा याददाश्त थोड़ा कमजोर हो गया है लगता है। बोलो लगता नहीं है, सच में हो गया है। ठीक है स्टाइल देना पड़ेगा यार, COLOR कलर दे दिया जी हमने और हो गया है ऐसा। ठीक तो ये हो जाएगा कैसा, ऐसा। ठीक तो इसके भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, लिख लेते हैं जी हम लोग। ठीक है जस्टिफाई मतलब जो एमएस ऑफिस में मतलब था ना जस्टिफाई का, वही मतलब है यहां पे भी। ठीक है तो मैं इसमें लिख देता हूं 1 अलाइन। अलाइन का वैल्यू क्या हो सकता है, LFT लेफ्ट सेंटर, स्पेलिंग वगैरह देखना आप। ठीक है लेफ्ट सेंटर राइट RIGHT राइट, और एक और था जस्टिफाई। ठीक है तो यहाँ पे मैं कॉपी कर लूंगा जस्टिफाई को और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। ठीक और क्या हो सकता है जी इसमें, तो आप देख रहे हैं इतना सारा कुछ हो सकता है। माउस आउट माउस अप। ठीक है मैं सिर्फ अभी बेसिक लिख रहा हूँ। ठीक है सारे एट्रीब्यूट्स को मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है तो अलाइन वगैरह आप लोग बदल लोगे, कलर वगैरह बदल लोगे आप। ठीक है स्टाइल टैग से, स्टाइल क्या उसको बोलते हैं, वो इंटरनल स्टाइल सीट है CSS का। ठीक है फिर उसके बाद आता है पैराग्राफ। ठीक है पैराग्राफ में हमको क्या क्या करना चाहिए, तो पैराग्राफ के बारे में आप जानते हैं जी कि पैराग्राफ टैग है ये जिससे पैराग्राफ बनता है। ठीक है इसमें भी क्या क्या हो सकता है, वही टाइटल हो सकता है, स्टाइल हो सकता है। ठीक है और अलाइनमेंट हो सकता है। ठीक है अलाइनमेंट है यहाँ पे। ठीक है तो मैं वही टैग लिख दूंगा, यहाँ पे भी वही एट्रीब्यूट लिख दूंगा। ठीक है अलाइनमेंट लिख दूंगा। ठीक है और अलाइनमेंट के बाद और कुछ था इसमें, नहीं था जो मुझे लिखना चाहिए। अलाइन है, क्लास है, आईडी है, टाइटल है। ठीक है टाइटल तो H1 में भी होगा। ठीक है इसमें भी टाइटल होगा। ठीक है तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, टाइटल टैग भी TITLE। ये क्या करता है, यहाँ पे आप माउस अगर लाओगे तो जो टाइटल में आप लिखे रहोगे वो चीजें आपको दिखाई देगा। ठीक है जी आ गया यहाँ पे। ठीक स्टाइल आप दोनों में लगा सकते हैं। ठीक है अगला इसमें मैं और क्या लिखा हूँ जी, HR टैग लिखा हूँ। ठीक है HR के बारे में थोड़ा देख लेते हैं जी। HR माने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता है। ठीक हाँ नहीं समझे, कौन सा HR का बात कर रहे हो भाई, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए बना है। कलर प्रॉपर्टी दे देंगे तो ये रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है ये देख लो यही है। ठीक तो कलर प्रॉपर्टी होगा, अलाइन प्रॉपर्टी होगा। ठीक है लेकिन अलाइन आपको कुछ दिखेगा नहीं इधर पे। ठीक है और फिर क्या हो सकता है, आईडी क्लास इन सब को छोड़ो, साइज हो सकता है जी, मैं यहाँ पे 10 दे देता हूँ। ठीक है
तो विड्थ इसका जो है बड़ा हो गया, बढ़ गया, ठीक है। साइज, साइज में भी 10 दे दूंगा, ठीक है। तो क्या होगा, साइज होना चाहिए यार इसको तो, या पिक्सल मिलेगा ये। साइज मैंने दो बार क्यों दिया है, पहले तो दे ही दिया है मैंने साइज, तो अब दोबारा काम करेगा। टाइटल आप जानते हैं टाइटल क्या करता है, ये लाइन, लाइन लिख देता हूँ सिर्फ टाइटल में मैं, ठीक है। विड्थ में क्या होगा, 20 देता हूँ मैं विड्थ में, तो क्या होगा इसका विड्थ जो है 20 पे होगा, आप देख लीजिए जी 20 से है, ठीक। और ये सेंटर में क्यों है, क्योंकि मैंने अलाइनमेंट सेंटर दे रखा था, अब पूरा विड्थ ज्यादा था तो पता नहीं चल रहा था, ठीक है। ये देखिए अब बड़ा हो गया, ठीक है। इसको परसेंटेज में मैं दे देता हूं, ठीक है, तो देखना क्या होता है। ये देखिए तो 50% हो गया, ठीक है, यही है जी इसमें, ठीक है। स्टाइल आप इसमें भी दे सकते हैं, बहुत सारा लंबा चौड़ा, ठीक है। तो इसमें आप क्या क्या दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं, ठीक है, कलर अलाइन दे सकते हैं आप इसमें, इसमें अलाइन में क्या क्या रहेगा, सेंटर होगा, ठीक है, LEFT होगा, RIGHT होगा, राइट होगा, ठीक है। थर्ड में क्या दे दूंगा मैं, साइज, SIZE। साइज में हम क्या दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, कुछ नंबर, नंबर दे सकते हैं तो उसका साइज बताएगा। चौथा में इसका क्या हो सकता है, टाइटल हो सकता है, जो हम टाइटल देंगे कुछ तो वो टाइटल में आ जाएगा, ठीक है। पांचवा में क्या होगा, इसका विड्थ होगा, ठीक है, जितना विड्थ देंगे उतना विड्थ हो जाएगा, तो इसमें कुछ नंबर दे देंगे जी, ठीक है। तो ये कुछ है हॉरिजॉन्टल लाइन के एट्रीब्यूट्स, ठीक है जी, ऐसे। क्या मजाक है, ये इधर कर दिया ये पूरा, मजा नहीं आया, ये लगता है मेरे को लेटेस्ट यूज करना पड़ेगा टेक्स्ट एडिटर। खैर छोड़ो, काम चला लेंगे हम, ठीक है। तो HR में इतना एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है, H1 में भी ठीक उसी तरह के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, कलर वलर, ठीक है। और क्या कर लूँ मैं, ये प्री बचता है ना, प्री में आप क्या करोगे, जैसे ही मैं प्री में आऊँगा तो यहाँ पे भी कुछ आ जाएगा, टाइटल आ जाएगा, स्टाइल आ जाएगा, ठीक है। ID और क्लास जो है थोड़े इम्पोर्टेंट है, मैं आगे बता दूंगा आपको अगर ज़रूरत पड़ा तो, ठीक है। आप प्री टैग जानते हैं किस लिए इस्तेमाल होता है, नहीं जानते, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इन सब को मैं, BR टैग क्या करता है, लाइन को ब्रेक करता है, इसमें भी टाइटल दे सकते हैं, ठीक है, स्टाइल दे सकते हैं, ठीक है। मैं इसको क्या करूंगा, हटा दूंगा ये सब BR, ठीक है, और इसको मैं ऐसे करूंगा, ठीक। तो ये देखिए ये पैराग्राफ टैग में है, ठीक है, तो इसलिए हमने जैसा लिखा था वो सब हटा के एक लाइन से कर दिया, ठीक है। लेकिन ये लिखा था प्री टैग से, ठीक है, तो ये जो है जैसा हमने लिखा था, ठीक है, वैसा ही हमें ये दिखा दिया, ठीक है। मतलब क्या, मतलब ये है कि प्री टैग के अंदर जैसा आप लिखेंगे वैसा ही ये प्रिंट कर देगा, वैसा ही आपको दिखा देगा। ये चालू है क्या, हाँ चल रहा है, तो आपको समझ में आ गया जी ये, चलिए समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। प्री टैग के बाद है BR टैग, BR से लाइन ब्रेक होता है आप सब जानते हैं जी, ठीक है। उसके बाद और कुछ टैग है क्या, एक अभी मुझे याद आ रहा है, पहले याद आ जाता तो मैं बता दिया होता, फॉन्ट, ठीक। फॉन्ट टैग से क्या होता है जी,
देखते हैं फॉन्ट टैग से हम क्या क्या कर सकते हैं, फॉन्ट टैग में कितना ताकत है। फॉन्ट आ गया, एंटर कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा तो अपने आप क्लोजिंग टैग आ जाएगा। ठीक है, स्पेस दिया, फॉन्ट में आ रहा है कलर। ठीक है, यहां पे कुछ कलर दे दूंगा तो कलर हो जाएगा। ठीक है, किधर गया कलर, ये तो कुछ हुआ ही नहीं जी। शायद मुझे लगता है कि मैं ब्लैक कलर, हाँ कलर में मैं क्या करूंगा, आर ई डी ले लूंगा। ठीक, तो अब क्या कलर हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा रेड कलर। ठीक है, हो गया रेड। ठीक है, और इसमें मैं क्या ले सकता हूं, पॉइंट साइज यहां डाल देता हूं मैं 40। ठीक, अब देखना जी क्या होगा, कुछ हुआ नहीं क्या, परसेंटेज में लेते हैं क्या, ये परसेंट, कुछ हुआ क्यों नहीं, इसको तो होना चाहिए था जी, ये हो क्यों नहीं रहा है पॉइंट साइज, थोड़े देर में देखेंगे जो है इसको। ये फॉन्ट फेस है, ठीक है, फॉन्ट फेस क्या करता है, ये बदल देगा आपका शकल, सही बात है, बदल देगा फॉन्ट का शकल। ले लिया मैं टाइम न्यू रोमन, अब देखना क्या होगा, ये तो कुछ हुआ ही नहीं थी। नो प्रॉब्लम, मैं समझ गया एक क्या इसका समस्या है। चलिए जी, इसको मैं इधर ले आता हूँ। ठीक है, अब देखता हूँ कि इसका शकल पे 12 बजते हैं या 13, 14 बज गया, मैं कुछ और लेता हूँ। ठीक है, इसको लेता हूँ जी, फिर देखता हूँ कुछ बदलाव आता है या नहीं। ठीक है, ये देखिए बदल गया जी। तो ये इस तरह से आप फॉन्ट जो है बदल सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे आना फॉन्ट में, ठीक है, और इधर से फॉन्ट को क्या करना, यहाँ पे आके कर लेना कॉपी। ठीक ना, कॉपी कर लेना आके यहाँ से, और यहाँ पे आके क्या कर देना, पेस्ट। ठीक, पेस्ट करने के बाद क्या करना, अब करने को कुछ बचा क्या है, बस रिफ्रेश कर देना, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, 40 दिया, इसको देखेंगे थोड़ी देर में कि ये पिक्सल में लेगा या फिर परसेंटेज में लेगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, स्टाइल साइज। ठीक है, मैं क्या करता हूं, इधर दे देता हूं इसको +6। अब देखना जी क्या होगा, इसका साइज में परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो ये जो है फॉन्ट का साइज बढ़ाएगा। अगला क्या है जी, स्टाइल है, टाइटल है। ठीक है, तो टाइटल में आप कुछ दे दोगे तो दिस, क्या लिख दिया मैं, दिस इज TITLE। ठीक है, तो टाइटल आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा यहाँ पे, ये देखिए ऐसे। ठीक है, नहीं समझ में आया, माउस ले जाऊंगा ना यहाँ पे, तो ये देखिए आ गया ना टाइटल, दिस इज टाइटल। तो टाइटल में आप जो भी लिखेंगे तो माउस वहां पे होवर करेंगे तो आ जाएगा टाइटल। ठीक है, यही इसका मतलब है। ठीक, ठीक, अब मैं क्या करूंगा, इसको सबको कॉपी कर लूंगा ऐसे। ठीक, कॉपी करने से बेहतर है कि मैं लिख दूं। ठीक है, कलर
चलिए जी यहाँ पे आता हूँ, किधर गया, यही फॉन्ट टैग है ना, वन कलर इक्वल टू रेड, ठीक। फिर यहाँ से क्या दे देंगे, ये फेस, फेस में क्या दे देंगे, फॉन्ट नेम, ठीक। थ्री में क्या दे देंगे जी, एक ठो और कुछ तो था यार, भूल रहा हूँ मैं, साइज, साइज में क्या दे देंगे, कुछ दे देंगे नंबर, 10 दे दूंगा मैं, ठीक है। टाइटल भी दे दूं, टाइटल तो आप जानते ही हैं क्या टाइटल देके करूंगा मैं, ठीक है। तो ये कुछ फॉन्ट है, ठीक है, और कुछ टैग देखें, एंकर टैग, ठीक है, एंकर टैग जो है मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, ठीक है। एड्रेस टैग जो है इसको भी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको, एरिया बी टैग इसको भी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, बेस फॉन्ट बीजी ब्लैकआउट, ये कोट्स वगैरह के लिए करते हैं, ठीक है। और क्या टैग बताना चाहिए मुझे, बॉडी बीआर बता दिया, बटन कैप्शन सेंटर सिटी कोड कॉल ड्यू इमबेस फील्ड सेट फॉन्ट फॉर्म फ्रेम फ्रेम सेट लेयर इनपुट लेबर लिंक मार्क यू मेटा, मेटा को आपको मैं अंतिम में बता दूंगा, स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओएल, ओएल को भी फॉर्म में बता दूंगा, ऑप्शन ग्रुप ऑप्शन को भी फॉर्म में बताऊंगा, प्री स्पैन स्क्रिप्ट सेलेक्ट स्ट्रॉन्ग सब सुपर, ठीक है। तो इन सब को मैं डिलीट मार दूं, क्या क्या करो नहीं समझा, मैप मैप टैग, आप क्या चाहते हो कि मैं यहाँ पे ऐसे मैप लिख दूँ, हाँ लिख दिया मैप, अब रन कर दूँ, ठीक है। दिस इज ए मैप, ठीक, चलिए रन कर दिया जी मैप, आ गया, यही है, हो गया हो गया ना। आप क्या चाहते हैं कि आप गूगल मैप को अपने वेबसाइट पे दिखाएं, राइट, यही चाहते हैं ना आप, तो मैप टैग सिर्फ लिख देने से तो कुछ होगा नहीं, इसके लिए क्या करना होगा कि हमें थर्ड पार्टी गूगल मैप का प्लगइन्स वगैरह इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वो कॉन्टेक्ट अस के पेज वगैरह में मैप का प्लगइन्स वगैरह ऐड करके मैप दिखाया जाता है, ठीक है। अगर आप कहते हैं तो मैं दिखा दूंगा, ठीक है, लेकिन अभी तुरंत नहीं दिखा रहा हूं मैं, थोड़े देर बाद या थोड़े दिन बाद बता दूंगा आपको मैप, ठीक है। यहां पे जो मैं लिखा हूं थोड़ा इस पे प्रकाश डालते हैं जी, तो टॉर्च वॉर्च कोई लाया है क्या ऐसा अच्छा रोशनी करेगा ना, चलिए जी, तो टॉर्च वगैरह तैयार रखिए थोड़ा सा इसमें, यहाँ पे बोल्ड है सबसे पहले, ठीक, इसको आप देख लो याद कर लो, जैसे जैसे मैं पूछूंगा वैसे वैसे बताना, ठीक। तो मैं बी से शुरू करता हूँ, ठीक है, आ गया, ठीक है। अब यहां पे लिख देता हूं दिस इज ए बोल्ड, ठीक, अच्छा बोल्ड लिख दिया मैं, क्या मजाक है, बी ओ एल डी, कुछ और टच कर दिया मैं, मजा नहीं आया,
अरे यार बी टेक से बोल्ड होता है ना, भूल गया था मैं, इसीलिए मैं सोचा बोल्ड ही लिख देता हूँ। क्या करें, दिमाग खराब हो गए। तो ये देखिए बोल्ड हो गया ना, तो बी टैग से बोल्ड हो जाता है, राइट। नीचे एक तो और टैग है स्ट्रॉन्ग, ठीक। स्ट्रॉन्ग टैग से क्या होगा बोलिए, होगा वही सही, बोल्ड का अल्टरनेटिव कह लो जी, ठीक। तो क्या करूंगा जी, मैं इसको ऐसे कर दूंगा, ठीक, और मैं फिर आ जाऊंगा यहां पे, कर दूंगा रीलोड, ठीक। तो इज ए स्ट्रॉन्ग में है और बोल्ड में है, बी में है बोल्ड, ठीक। तो समझ गए आप, ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कुछ है, ठीक है। आई से इटैलिक होता है जी, तो मैं क्या करूंगा यहां पे फिर से पी टैग लिखूंगा और कर दूंगा आई टैग लिख दूंगा और लिख दूंगा दिस इज ए इटैलिक, ठीक। आई टैग के अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो क्या हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा, ऐसा इटैलिका लिख दिया मैं, स्पेलिंग गलत कर दिया ना, इटैलिक, चलिए जो भी हो। अब इसके अंदर भी मैं बी टैग लगा सकता हूँ, ठीक है। अगर इसके अंदर मैं बी टैग लगा दूंगा तो इटैलिक तो होगा लेकिन बोल्ड में होगा, ठीक है। ये देखिए जी, बोल्ड में इटैलिक हो गया, अंडरलाइन में ऐसा ही है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, फिर से यू टैग ले लूंगा जी, यू एल नहीं यू चाहिए, हाँ, दिस इज ए अंडर एल आई एन ई, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा जी, ऐसा हो जाएगा, ठीक। तो समझ गए आप लोग जी कि ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग मतलब क्या होता है, क्यों नहीं समझे, समझ गया ना। चलिए जी, आप लोग समझ गए तो बड़ा ज्ञानी है, इंटेलिजेंट है, ठीक है। इसके बाद भी कुछ है क्या, इसके बाद क्या है यार, और भूल गया मैं, स्मॉल टैग। स्मॉल क्या करेंगे, क्यों जी क्या हो गया, दिस इज स्मॉल, और मैं यहां पे आऊंगा और स्मॉल लिखूंगा, ठीक है, और कर दूंगा इसको स्मॉल के अंदर ऐसे। तो ये देखिए कुछ छोटा हो गया शायद, ठीक हो गया, तो ठीक हो गया। तो ये है आपका स्मॉल टैग, राइट। ये है मार्क टैग, मार्क क्या करता है, हाइलाइटिंग वगैरह करता है ये, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे को हाइलाइट करना है इसको, तो क्या करूंगा मैं, मार्क कर दूंगा ऐसे, शायद ना काम करे क्योंकि बता नहीं रहा इसमें, ये देखिए जी सारे को हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। इसमें मैं क्लोजिंग, देखिए क्लोजिंग टैग नहीं दिया तो क्या हुआ, सभी को हाईलाइट कर दिया था, इसलिए मैं क्लोजिंग दे दूंगा अब तो सिर्फ दिस को जो है हाईलाइट करेगा, तो ये हाईलाइटर है, ठीक है जी। तो यही है मार्क टैग, बाकी तो आप सब ज्ञानी हैं जी, इंटेलिजेंट। इसके बाद किधर था मैं, मार्क हो गया, सेंटर, मैं ये दो तीन को छोड़ दिया क्या, ये दो तीन को नहीं बताया ना, तीन छोटा है, अच्छा ठीक है, सेंटर को बता के बता देता हूँ उसको। सेंटर टैग क्या करता है, अलाइनमेंट सेंटर, ठीक है, सेंटर टैग किया ऐसे, ठीक है, आखिरी में आके ऐसे कर दिया। तो ये सेंटर में आ गया, ठीक है जी। तो ऐसे आप लोग कर लिया करोगे, ठीक, समझ में आ रहा है सबको, हल्का फुल्का, क्या नहीं समझ में आया,
क्या नहीं समझ में आया? क्या समझ में आया? यही समझ में नहीं आया आपको? तो मिस्टर कमलेश जरा आप बताइए बीटेक से क्या होता है? तो पूछा क्यों नहीं? आपने क्यों नहीं पूछा जब आपको समझ में नहीं आया कि बीटेक से क्या होता है? आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, ठीक है, कि मेरे चेहरे के स्माइल से ज्यादा मेरे शब्दों पे ध्यान देना, वरना क्या होगा, धोखा खा जाओगे, ठीक है। हाँ, अब अगला देखते हैं EM, ठीक है। This is a EM TAG, ठीक। ये देख लीजिए जी, कुछ इस तरह का बना दिया EM टैग को, इम्बेस की क्या बोलते हैं जी इसको, इस टाइप में बना देगा इसको, ठीक है। अब इसका हिंदी मीनिंग तो मुझे समझता नहीं, आप MS ऑफिस खोल के देख लेना, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट तो आपने MS ऑफिस में भी पढ़ा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इन सबको मैं डिलीट मारता हूँ, ऐसे एक फॉन्ट टैग लेता हूँ, फॉन्ट टैग लिया, इसको बंद किया, ठीक है। साइज में दे देता हूँ +6, ठीक है। एंटर, यहाँ पे क्या किया, H2O, ठीक। अब इसको चाहिए सुपर, माने ऊपर ले जाने का है मेरे को, तो यहाँ पे लिख दूंगा जी सुपर, तो ये चला जाएगा ऊपर, ठीक ठीक है जी। और अगर 2 को मुझे नीचे लाना है तो क्या कर दूंगा, सब स्क्रिप्ट लगा दूंगा। क्या मजाक है यार, चलो पी लिख देता हूं जी, अब ठीक हो गया। ये देख लीजिए, ये 1 कहां से आ रहा है, मैंने गलती से इधर लिखा है, यहां पे मैं BR दे दूंगा ना एक, तो क्या हो जाएगा, BR हो जाएगा, ठीक। मतलब है मान लीजिए आपको कुछ इस तरह का फॉर्मेट करके लिखना हुआ अपने वेब पेजेस पे, आप तो आप कैसे लिखोगे, तो ऐसे आप लिख लोगे, ठीक हो जाएगा ना। ओ एच को भी कैपिटल कर देता हूं मैं, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आप लिख लोगे जी। तो मुझे लगता है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ कोई प्रश्न हो किसी के मन में तो पूछ लो, और प्रश्न ना हो तो कहो हमें कुछ भी समझ में नहीं आया, इसलिए हमको ये भी नहीं समझ में आया कि प्रश्न क्या पूछना है, इसलिए आप आगे चलिए, ठीक। तो समझ में आया पीछे आप लोगों को, नहीं समझ में आया पीछे? कुछ पूछना है अगर आपको इसके अंदर तो पूछ लीजिए। अच्छा मैं एक चीजें आपको बताना भूल गया जी, यहाँ पे लिखा तो लेकिन मैं बताया नहीं, इसका मतलब क्या है। तो HTML जो है, HTML 1 आया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से HTML सबसे पहले बना होगा, तो 1 वर्जन आया होगा, फिर 2 वर्जन आया होगा, ठीक है। तो इसी तरह से वर्जन जो आया, ठीक है, तो उसका ये यहाँ पे डिक्लेरेशन भी बदला, ठीक है। तो HTML जो सबसे लेटेस्ट चल रहा है वो HTML का 5 वर्जन है, ठीक है। तो HTML का जो 5 वर्जन है, आपके वेब ब्राउजर को कैसे पता चलेगा कि आपने जो HTML लिखा है वो HTML 5 वर्जन में है, या फिर आपने ये जो डॉक्यूमेंट लिखा है, ठीक है, आपने ये डॉक्यूमेंट जो लिखा है वो डॉक्यूमेंट किस फॉर्मेट में है, XML में है, HTML में है, या फिर MS Word है, Excel है, PowerPoint क्या है, तो उसको बताने के लिए हमारा ये डॉक्यूमेंट जो है वो HTML में है, इसीलिए हमको ये यहाँ पे लिखा जाता है। ये डिक्लेरेशन जो है डॉक्यूमेंट का, ये HTML 5 का है, और ये बहुत अच्छा है। इसको नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, स्टाइलिंग में काफी, जैसे मान लीजिए इसको आपने हटा दिया, ठीक है, तो स्टाइलिंग में काफी बिखर जाएगा। आप जो कुछ स्टाइलिंग करेंगे ना, जैसे आप कोई प्रोफेशनली वेबसाइट्स वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप कहीं कुछ कलर वगैरह, हाइट विड्थ वगैरह दिए हुए हैं, साइज वगैरह दिए हुए हैं शायद कहीं पे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जैसे इसको हटाएंगे तो बिखर जाएगा, साइज काम नहीं करेगा,
हो सकता है परसेंटेज में देना पड़े, हो सकता है पिक्सल में देना पड़े फिर से, ठीक है। तो इसको नहीं लगाएंगे तो ये बिखर जाएगा पूरा। अब आपको उतना समझ नहीं है स्टाइलिंग जेएस वगैरह का, जावास्क्रिप्ट का या सीएसएस का, तो मैं सिर्फ इतना ही समझा के छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। मौका मिलेगा मैं साबित कर दूंगा कि इसमें कितना दम है, ठीक। तो ये जितने भी टैग्स हैं इसके बारे में कुछ पूछना है किसी को? नहीं पूछना है क्या करे बाप? नहीं समझा। बी टैग? प्री टैग। प्री टैग क्या करता है, जैसे मान लीजिए यहां पे मैं लेता हूं पैराग्राफ, ठीक है, यहां पे मैं कुछ भी लिख दिया, ऐसे कुछ भी लिखता जाता हूं, या फिर पहले नेम एड्रेस वगैरह लिखा था तो मैं यहां कैसे लिखा हूं, एंटर कर करके लिखा हूं ना। लेकिन जैसे इसको मैं वेब ब्राउजर पे रन करूंगा ना तो एंटर वगैरह सब गायब हो जाएगा और एक लाइन में पूरा दिखा जाएगा, ठीक है। तो मैं जिस तरह से फॉर्मेटिंग करके लिखा हूं मेरे को सेम उसी तरह से दिखाना है वेब ब्राउजर पे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, प्री टैग का इस्तेमाल या प्री टैग का इस्तेमाल हम कर देंगे। तो ये देखिए जी वैसे ही दिख गया, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ स्पेस दे दूंगा ऐसे, ठीक है, तो वो स्पेस भी दिखा देगा, ठीक है। तो एज इट इज जैसे आपने लिखा है वैसे ही अगर आपको दिखाना है तो क्या करिए, प्री टैग का इस्तेमाल करिए। इसका सोर्स कोड देखना है अगर आपको कि आपने क्या क्या कोड लिखा है तो ऐसा आ गया, तो आप क्या करिएगा, कंट्रोल प्लस यू, इससे क्या होगा सोर्स कोड आपको दिखाई देने लगेगा, ठीक। या फिर राइट क्लिक व्यू पेज सोर्स, ठीक। तो ये देखिए दिख गया, तो आपको पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा आपको, इसमें क्या क्या कोड लिखा है, ठीक। आपने सुना हुआ है बिग थिंक, बिग थिंक आपने सुना है, कुछ मोटिवेशन वगैरह लोग करते हैं तो बड़ा सोच रखो, ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है, आपने सुना है ना। आपको मालूम है बिग थिंक किसे कहा जाता है? नहीं मालूम, एक उदाहरण दे रहा हूं। जैसे आप अभी बैठे हो पढ़ रहे हो ना HTML, ठीक वैसे ही DCA में मैं HTML पढ़ रहा था, ठीक है। तो HTML पढ़ रहा था मैं ऐसे ही, बेसिक HTML का मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया था, जैसे फॉर्म वगैरह का, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का, बाकी डॉक्यूमेंट्स को कैसे अरेंज करना है, ठीक है। मतलब HTML वगैरह मैं सीख चुका था, बेसिक HTML का समझ मुझे हो गया था। तो आपको बताया मैं जैसे कि ये क्या क्या लिखा है, आप सोर्स कोड देखना है तो कैसे आप देखेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या करा कि गूगल खोला, ठीक है, गूगल का जीमेल का फ्रंट पेज खोला, फिर मैं सोचा कि ऐसा ही बना देते हैं फ्रंट पेज गूगल का, क्या दिक्कत है, ठीक। अब वो अलग बात है कि मुझे आता कुछ नहीं था HTML को एक अलावा में, ठीक है, लेकिन मैंने यही सोचा जी कि क्या करें, गूगल का जैसा जीमेल का फ्रंट पेज है अकाउंट बनाने का, वैसा ही हम भी बना देते हैं, क्या दिक्कत है। तो इसे कहा जाता है बिग थिंक, ठीक। अब बना रहा हूं, ठीक है, तो बन तो रहा है, इनपुट वगैरह बन रहा है, लेकिन लुक वैसा नहीं था, लुक नहीं आ रहा, तो अब क्या करें, अब तो समस्या हो गया। मैंने क्या सोचा, मुझे मालूम है कंट्रोल यू दबाऊंगा जी सोर्स कोड दिख जाएगा, ठीक है। मैंने भी यही दबाया सोर्स कोड देखने के लिए, सोर्स कोड जैसे ही मैं कंट्रोल यू किया, आप कल्पना कर सकते हैं क्या हो सकता है, इतना ज्यादा मुझे कोड दिखाई दिया, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, ठीक है। तो मैं सोचा नहीं 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 नहीं, अभी सीखना बाकी है लगता है। फिर मैं गया अपने प्रोफेसर से पूछा, सर मैंने जो फ्रंट पेज बनाया है वो ऐसा दिखाई दे रहा है, गूगल ने जो बनाया है वो ऐसा क्यों है? तो सर 2 घंटे का भाषण दिए उस पे, ठीक है। तो मैं सोचा कि अच्छा ठीक है, तो फिर मैं शुरू किया CSS वगैरह पढ़ना, फिर शुरू किया JavaScript वगैरह पढ़ना, ठीक है, ताकि फिर से गूगल का फ्रंट पेज बना सकूं, ठीक है, और कुछ वैलिडेशंस वगैरह लगा सकूं। उसमें था आपका गूगल का पुराना वाला, आप देखे थे, बहुत ज्यादा एडवांस नहीं था उस समय पे गूगल का, ठीक है, लेकिन वो बहुत ज्यादा आसान भी नहीं था, ठीक है, बहुत ज्यादा आसान भी जो है वो नहीं बना हुआ था गूगल का, मेरे लिए तो भाई आसान नहीं था उस समय पे, ठीक है। जो काफी पुराना वाला था वो थोड़ा उतना ज्यादा, बहुत ज्यादा एडवांस नहीं था कवर पेज बना हुआ, लेकिन मेरे लिए तो भाई बहुत ज्यादा एडवांस था वो, तो मुझे काफी मेहनत करने पड़े, ठीक है। तो समझ गया आप बिग थिंक किसे कहते हैं, कुछ भी ना आए फिर भी कहो हम तो यही करेंगे।
ठीक है, बड़ा सोच इसे कहा जाता है। ठीक है, हो सकता है मैं गूगल का ना किया होता, सोर्स कोड ना दिखा होता, ना सोचा होता बनाने को, तो HTML सीख के मैं छोड़ दिया होता। ठीक है, समझ में आ गया है जी। बोले इसको बड़ा सोच नहीं कहते ठीक है, इसको ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं। ठीक है, तो आप भी इसी तरह का बड़ा सोच रखो जी। ठीक है, तो आगे चले हम ना चले, इतना में तो एक मिनट रुकेगा, इतना में किसी को तो दिक्कत होगा नहीं, होगा नहीं होगा ना, होगा। चलिए जी बीजी। ठीक है, बैकग्राउंड में मैं यहां पे जाता हूं और ये ब्राउज का ऑप्शन आ गया, इस पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां पे मैं चाहूं तो फोटो कुछ सेट कर दूंगा। ठीक, दिखा रहा हूं, क्यों टेंशन ले रहे हो, सबर करो भाई, समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। मुझे बात समझने में 3 साल लगे थे, आपको 10 मिनट में मैं कैसे समझा दूं। ठीक, सही है ना। लेकिन आप इस फिलोसफी को बहाना लगा के चुपचाप बैठे मत रहना कि भाग्य से ज्यादा तो कुछ मिलता ही नहीं, काई को काम करें, तो इसे मालूम क्या कहते हैं, मूर्खता। ठीक, ये बात समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता, ये बात सीखने से पहले आप ये सीख लो, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले दुर्भुर्मा ते संगस्तु कर्मणि। ठीक है, कर्म करो, फल का चिंता नहीं करने का। ठीक, फल तो आपको अपने आप मिलेगा। हाँ, आप प्रैक्टिस करो जी, आपको अपने आप पूरा HTML आ जाएगा। पेस्ट का है नहीं हो रहा है, हो गया पेस्ट, इसको मैं ऐसे कर दूं इस तरह से, तो सारा मैंने लोकेशन क्या किया, कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, रन, तो क्या हो जाएगा, आपको मालूम है क्या हो जाएगा, आप जानते हैं, ये हो जाएगा बैकग्राउंड में जो है ई आ गया। ठीक, आ गया ना जी, तो बैकग्राउंड आप इस तरह से आप लगा लेंगे, बैकग्राउंड कलर सेट कर लेंगे, बीजी कलर। ठीक है, तो आप इस तरह से सेट कर सकते हैं बैकग्राउंड, जैसे मान लीजिए डेस्कटॉप पे मान लीजिए मेरा डॉक्यूमेंट है, कहाँ है, ये वाला मेरा HTML फाइल है। ठीक है, और यहां पे ही जो है क्या फोटो में है, इधर ही एक फोटो था यार पार्टीशंस वगैरह का, जीपीटी का, ये है। ठीक है, जीपीटी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि जहां पे मेरा HTML फाइल है वहीं पे फोटो है और उसी को मैं सेट कर दूं बैकग्राउंड में, तो क्या करूंगा मैं, बहुत आसान है। ठीक है, क्या करूंगा, नहीं बताओगे, बताओगे, ठीक है हम ही बता देते हैं, .png। ये png मैं क्यों लिखा, आपको मालूम क्यों लिखा, यहां पे .png है। ठीक, आपके कंप्यूटर में अगर एक्सटेंशन नहीं दिखा रहा है तो आप क्या करोगे, एक्सटेंशन देखने के लिए माई कंप्यूटर में जाना, ऑर्गेनाइजेशन में जाना, फोल्डर ऑप्शन में जाना, व्यू में जाना, और फिर क्या करना, क्या करना, हाइड एम्प्टी, नहीं नहीं ये भी नहीं, ये देखिए हाइड अनॉन, नहीं नहीं हाइड एक्सटेंशन फॉर नॉन फाइल टाइप, इसका मतलब ये है कि मैं जिस फाइल को जानता हूं क्या उसका एक्सटेंशन हाइड कर दूं, तो आपके कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होगा इसलिए एक्सटेंशन हाइड होगा। ठीक, मैं इसको अनचेक करके कर दूंगा, ओके, तो दिखाई देने लगेगा एक्सटेंशन। ठीक, या फिर आप कंट्रोल पैनल में भी इसको जाके आप परिवर्तन कर लो। ठीक, कैसे, बड़ा आसान है, यहां पे जाना, फोल्डर ऑप्शन में जाना, जैसे ही ये देखिए फोल्डर ऑप्शन है, जैसे ही क्लिक करा ये आया, व्यू में जाएंगे यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, तो अनचेक कर देना तो वो दिखने लगेगा। ठीक है जी, और फिर क्या करना, यहाँ पे रिफ्रेश कर देना, कुछ नहीं हुआ, ये क्या मजाक है, बहुत नाइंसाफी है जी। कंट्रोल यू दबाता हूँ जी, PGN लिख दिया यार, मेरे दिमाग खराब हो गए सच में, PNG लिखा मैं। ठीक है, अब क्या करूंगा जी, यहां पे आऊंगा और ऐसे कर दूंगा,
तो ये देखिए फोटो दिख रहा है, अब राइट क्लिक करूंगा। अच्छा ये बैकग्राउंड में है इसलिए ये सेव नहीं होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, सेव से मेरे को याद आया एक तो इमेज टैग होता है, ठीक। इमेज टैग बता दूं क्या, सिर्फ इमेज टैग मैं बता दे रहा हूं और इमेज टैग के बारे में और कुछ नहीं बताऊंगा मैं, ठीक। एसआरसी, इमेज टैग का एसआरसी हमें सेट करना होगा, ठीक। क्या एसआरसी माने सोर्स, इमेज टैग में एसआरसी एट्रीब्यूट में हम फोटो का नाम दे देंगे, ठीक है, और फिर वो फोटो हमें दिखाई देने लगेगा। बैकग्राउंड से हटा देता हूं मैं इसको, ठीक है। अब आप देखिएगा क्या होगा, आ गया इसके नीचे ये, राइट क्लिक करके अब हम सेव इमेज पे क्लिक करेंगे, इमेज हमारा डाउनलोड होने लगेगा, ठीक। तो इसी तरह से आप जो है देख सकते हैं जी, राइट। ये देखिए आ रहा है ना, फोटो का साइज बहुत बड़ा है, छोटा करना है तो आप क्या करोगे, यहां पे साइज दे दो। साइज होता है यार, नहीं होता? अच्छा साइज नहीं होता, हाइट विड्थ होता है ना, क्या करूं याददाश्त थोड़ा कमजोर है ना। 100 दिया तो छोटा सा हो गया, ठीक। यहां पे परसेंटेज में भी दे सकते हैं, 50 में लेके परसेंट दे दूंगा तो 50% इसका हाइट हो जाएगा। क्यों खुल रहा है तू, ये देखिए 50% हाइट हो गया। विड्थ भी वैसे ही होता है इसमें एट्रीब्यूट से, विड्थ इसको भी मैं 50% दे देता हूं, ठीक है। तो ये हो गया, बाय डिफॉल्ट जो है 50% विड्थ ले लिया था, तो हाइट विड्थ आप सेट कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक। इमेज टैग को मेरे से आप लोग दोबारा पूछना, मैं दोबारा बताऊंगा। अब इमेज टैग से मुझे याद आया, आखिरी में मैं आता हूं, ठीक है। यहां पे कुछ और टैग का नाम लिख देता हूं, क्या टैग का नाम लिख दूं, इमेज टैग, वीडियो टैग, ऑडियो टैग, ये मल्टीमीडिया को हैंडल करेगा, ठीक है। और क्या लिख दूंगा, आई फ्रेम टैग, ठीक है। आई फ्रेम का स्पेलिंग मेरे को लगता है कि गलत होगा, मैं चेक करता हूं इधर, ठीक है। आई फ्रेम ऐसा होता है, आई फ्रेम का स्पेलिंग, ठीक है जी। तो आई फ्रेम भी मैं यहां पे लिख देता हूं, इन सब को हम पढ़ेंगे मल्टीमीडिया हैंडलिंग में, ठीक है। एक टैग अभी तुरंत मैं आपको बता देता हूं, 8 के जगह पे मैं 9 करके, ठीक है। ई टैग, ए टैग क्या करता है, ये एंकर टैग है, ठीक। एंकर टैग क्या करता है मैं बताता हूं आपको, सेव कर दिया हूं ये, ठीक है। एंकर टैग कैसे लिखा जाता है, ए लिखूंगा यहां पे और ये लिख के बंद कर दूंगा, ठीक। अब ये यहां पे लिख दिया ना, अब मैं चाहता हूं कि सी एल आई क्लिक टू ओपन नेक्स्ट पीएजी, ठीक। तो यहां पे आ गया क्लिक टू ओपन नेक्स्ट पेज, ठीक है। मैं इमेज टैग को हटा देता हूं यहां से, कोई काम का नहीं है मेरे लिए अभी, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, मैं चाहता हूं ना कि इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूं तो नेक्स्ट पेज मेरा ओपन हो जाए। तो नेक्स्ट पेज ओपन होने के लिए क्या होना चाहिए, बीआर टैग देता हूं। नेक्स्ट पेज ओपन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक पेज बनाना तो पड़ेगा। तो मैं कैसे करूंगा, फाइल में जाऊंगा, क्रिएट न्यू पेज पे जाऊंगा, बेसिक एचटीएमएल में करूंगा, ठीक है। क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा तो ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप क्या करोगे, आप नोटपैड से जो है नया बनाओगे, ठीक है। क्रिएट में क्लिक करा, अपने आप जो है बन के रेडी हो गया नया पेज, ठीक। अब क्या लिखूंगा यहां पे, पैराग्राफ के अंदर ये देखिए, यहां पे जो लिखा हुआ है ना डॉक टाइप वगैरह, ये HTML4 के स्टाइल में लिखा, इतना लंबा चौड़ा, ठीक है। यहां देखिए HTML4
4.01, ठीक है। तो ये HTML 4 के स्टाइल में लिखा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ से क्या करता, HTML यहाँ पे 4 है, ठीक है, 4 आज, तो इसीलिए बाई डिफॉल्ट वो 4 लिया है, ठीक है। तो आप 5 भी ले सकते हैं, ठीक है, या आप अभी ना लिखो इसको ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं लिखा था इसलिए बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, दिस इज अ नेक्स्ट पेज, दिस इज ए एनईएक्सटी पेज, ठीक। अब इसको मैं कंट्रोल एस दबा के सेव करूंगा, कहाँ, डेस्कटॉप पे मैं सेव कर रहा हूँ इसको, ठीक है। और यहाँ पे क्या करूंगा, नेक्स्ट पेज लिख दूंगा, एनईएक्सटी नेक्स्ट पेज डॉट एचटीएमएल, ठीक। सेव कर देता हूँ, सेव कर दिया जी, ठीक। अब मैं आ जाऊंगा यहाँ पे, ठीक। अब इस पे क्लिक करने पे नया पेज खुलना चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ एट्रीब्यूट लिखना पड़ेगा, एट्रीब्यूट का क्या नाम है, एचरेप, ठीक। अब यहाँ पे ब्राउज आ गया, इस पे मैं क्लिक कर दूंगा तो ये बोलेगा कि सिलेक्ट कर लो फाइल, ठीक है, इसको छोड़िए। मैंने यहाँ पे नाम दे दिया नेक्स्ट पेज डॉट एच टी एम एल, ठीक, ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट पेज कहाँ पे है, तो नेक्स्ट पेज मेरा यहीं पे है, ठीक, ये जहाँ पे पेज है वहीं पे ये पेज है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, रिफ्रेश, ठीक ठीक। तो ये बन गया हाइपर लिंक। अब इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा मेरा नेक्स्ट पेज खुल गया, मैं बैक करूँगा तो उस पर चला जाऊँगा, ठीक है। इस पे क्लिक किया, नेक्स्ट पेज आ गया ना यहाँ पे, तो ये पेज खुल गया जी, यहाँ पे आप लोकेशन देख लीजिए, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ ना कि जो नेक्स्ट पेज है, ठीक, नेक्स्ट पेज पे भी एक बटन हो, यहाँ पे भी वैसे ही लिंक हो, और क्लिक कर दूँ उस लिंक पे तो मेरा बैक पेज में पीछे वाले पेज में चला जाए। तो क्या करूँगा मैं जी, सबसे पहले ये फर्स्ट जो HTML है ना, इसका जो है फाइल नेम मैं कॉपी कर लूँगा जी, कॉपी कर लिया, ठीक है। फिर मैं क्या काम किया, इधर आया और जैसे एंकर टैग में मैंने यहाँ पे लिखा है ना, वही एंकर टैग में मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक, ए लिखा, ऐसा बन गया, ठीक है। अब हेडर रेफरेंस में मैंने एचरेफ में मैं क्या लिखूंगा, जो पेज मुझे ओपन करना है, तो मुझे ये पेज ओपन करना था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, मुझे जो दिखाना है, ठीक भाई, आप क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको दिखना क्या चाहिए, यूजर को क्या दिखना चाहिए, यूजर कौन है, मैं हूं, आप है, ठीक है। तो यूजर को जो दिखना चाहिए वो चीजें हम इसके यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, गो बी ए सी के, गो बैक, ठीक। अब ये देख लीजिए, यहाँ पे आया तो आ गया गो बैक, इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए माई फर्स्ट HTML वाला पुराना पेज आ गया, इस पे क्लिक करूंगा तो ये आ जाएगा, इस पे क्लिक करूंगा तो ये आ जाएगा। तो आप देख लिए, देख लिए ना, समझ में आ गया ये एंकर टैग का मतलब, ठीक है। आप एक काम करोगे, ठीक है, क्या काम करना, आप काम ये करना कि सिंपल आप एक डॉक्यूमेंट का वेब पेज बनाना, ठीक है, और उसमें क्या करोगे, उस HTML के वेब पेज में, जैसे मैं फर्स्ट HTML में आया, ठीक है, यहाँ पे P टैग में लिख दिया स्टूडेंट नेम, ठीक, आ गया स्टूडेंट नेम, और सारे फिर पैराग्राफ में स्टूडेंट का नाम लिख दूंगा, जैसे नेम वन, ठीक है, नेम सब में जो है नेम वन के जगह पे नेम टू हो जाएगा, यहाँ पे नेम थ्री हो जाएगा, नेम थ्री नहीं होगा मतलब यहाँ पे चौथे स्टूडेंट का नाम आएगा, ठीक है। अच्छा गो बैक करता हूँ मैं, ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट का ये नेम है, ठीक है, और इधर जो है नाम आ गया स्टूडेंट का, ठीक। तो जिस स्टूडेंट पे क्लिक करेगा, ठीक है, उसी के रिलेटेड डिटेल्स खुलना चाहिए, कैसे, एक ठो मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक, बाकी आप खुद बनाना, ठीक है। क्लिक टू ओपन, जो ये नेक्स्ट वेब पेज बना है ना HTML का, इसी में मैं स्टूडेंट का डिटेल्स दिखा दे रहा हूँ, नीचे दिखा दूं, इसी में कंफ्यूजन आपको नहीं होगा ना, होगा, या नया पेज बना के दिखाऊं, क्या कहते हो आप लोग, मैं नया पेज बना के आपको दिखाऊं, या फिर इसी नेक्स्ट पेज में ही स्टूडेंट का डिटेल्स लिख दूं और इस नेम वन को हाइपरलिंक बना दूं कि इसमें जब क्लिक करे तो ये वाला पेज खुल जाए और इसमें स्टूडेंट का डिटेल होगा, नया पेज बना लूं या इसी में एडिट कर दूं,
इसी में कर दूं, ठीक है जी। तो ये नेक्स्ट पेज है अगला स्टूडेंट वाला, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि स्टूडेंट के रिलेटेड प्री टैग में ही आप लिख देना, ठीक है। जैसे क्या लिखोगे, स्टूडेंट का नेम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट का नेम आ जाएगा, ठीक है। क्लास में क्या आप लिख दोगे, स्टूडेंट का यहाँ पे क्लास लिख देना आप, ठीक है। रोल नंबर लिख देना यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर आ जाना चाहिए, ठीक ऐसे। तो यहाँ पे स्टूडेंट का एड्रेस आ जाना चाहिए, ठीक है ऐसे, ठीक। तो क्या होगा अब, ठीक ये देखिए यहाँ पे आ चुका है स्टूडेंट का पूरा डिटेल्स। मैं जाऊँगा इस पन्ने पे, ठीक है। अब जो वहां पे पिछले वाले पन्ने में जो डिटेल्स में लिखा वो स्टूडेंट वन के रिलेटेड था, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट वन को हाइपरलिंक बना दूंगा, ठीक। उसी तरह से क्या करोगे आप, दूसरा एचटीएमएल का एक पेज बनाना और उसको भी स्टूडेंट टू से लिंक कर देना, और उसमें दूसरे वाले एचटीएमएल पेज में क्या होगा, स्टूडेंट टू के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से जितने स्टूडेंट का यहाँ पे नाम होगा उतने आप एचटीएमएल पेज बना लेना, ठीक है जी। और फिर जिस स्टूडेंट के नेम पे क्लिक करेंगे उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारा खुल जाएगा, ठीक। तो मैं नेम वन को हाइपरलिंक बना देता हूं जी। मैं यहां पे आता हूं, नेम वन ये है, ठीक है। यहां पे ए टैग लिया मैं ऐसे ऐसे, और एचरेफ में मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि यही पेज तो खुलेगा हमारा इसमें, ठीक है। स्टूडेंट नेम टू है तो यहाँ पे दूसरा स्टूडेंट का नाम होगा, तो उसके लिए भी आप ऐसे ही बना लेना हाइपर लिंक, ठीक है। मैं पी टैग के अंदर हाइपर लिंक को लिया हूं, आप चाहें तो पी को हटा भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे पी होगा, ठीक। यहाँ पे मैं पी में लिया हूँ, ठीक है। आप चाहें तो इसको आप हेडिंग में भी बना सकते हैं स्टूडेंट नेम को, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आया, ठीक है, और क्या करूंगा इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए खुल गया ना स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो मैं प्री टैग में लिया हूं, आप चाहें तो पैराग्राफ टैग में ले लें और बीआर का टैग लगा के इन सबको लाइन का ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है जी। और वैसे नेम टू में क्लिक करूं तो नेम टू जिस स्टूडेंट का जो है स्टूडेंट नेम टू जिस स्टूडेंट का नाम होगा उसका एचटीएमएल पेज खुलेगा, ठीक है, और फिर उसके रिलेटेड का इंफॉर्मेशन उस एचटीएमएल पेज में होगा, ठीक। तो आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, नहीं समझे, नहीं समझ में आया, कुछ पूछना है तो आप पूछ लो जी, और समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, नहीं आया, हाँ सबसे पहले आपको क्या करना है हाइपरलिंक बनाने के लिए, मैं नया पेज लूं या इसी में बता दूं, इन सबको मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक। इतना चीजें तो आप बाय डिफॉल्ट लिख के रखोगे, लिख के ही रखना ना। फिर क्या करेंगे, स्टूडेंट का नाम है मान लो मोहन, ठीक। मेरे को इसमें हाइपरलिंक बनाना है तो मैं क्या करूंगा, पहले एंकर टैग लूंगा, ठीक ऐसे, यहां पे क्लोजिंग टैग बन गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एंकर टैग के अंदर आऊंगा, एचरेफ नाम का एट्रीब्यूट ले लूंगा, ठीक है, और एचरेफ के जो डुअल कोट है, ठीक है, इसके वैल्यू में मैं क्या दे दूंगा, मोहन नाम का जो एचटीएमएल फाइल होगा, ठीक है, वो जो है बन के वो जो है ओपन हो जाए, ठीक है, मोहन डॉट एचटीएमएल, ठीक वो ओपन होगा, ठीक है। और स्टूडेंट का क्या नाम होगा, मोहन, ठीक है मोहन, ठीक। अब इस पेज को मैं रन करूंगा तो क्या होगा, ये मोहन यहां पे आ गया ना, ये ऐसे क्यों आ रहा है दो बार मोहन, इसलिए आ रहा है कि मैंने नीचे भी लिख रखा है, ठीक है। तो ये देखिए आ गया मोहन, ठीक है। अब इस पे मैं क्लिक करूं तो मोहन नाम का पेज खुलना चाहिए, अब वो मैंने बनाया नहीं है तो खुलेगा कहां से, तो मैं बना लूंगा, कैसे बनाऊंगा आप देखिए मैं कैसे बनाऊंगा, ठीक है। यहां से मैं जाके न्यू नहीं कर रहा हूं, ठीक है, यहां से जाके न्यू करूंगा तो शायद कंफ्यूजन हो, राइट क्लिक करूंगा, न्यू में जाऊंगा, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लूंगा,
सब कुछ डिलीट कर दिया, अब यहां पे क्या किया, मोहन डॉट एच टी एम एल, ठीक, एंटर मारा, यस कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा एच टी एम एल है जहां पे स्टूडेंट का सारा लिस्ट होगा और ये एक स्टूडेंट का एच टी एम एल है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगा, एडिट कर लूंगा, ठीक है। कैसे एडिट करूंगा, नोटपैड से कर लूंगा, नोटपैड खुला रहेगा। अब इसको पकड़ के यहां पे डाल दूंगा, ये आ गया यहां पे टाइटल में आ गया मोहन एच टी एम एल। अब मैं क्या करूंगा, इसमें पूरा एच टी एम एल का टैग लिखूंगा, एच टी एम एल ऐसे, ठीक है, एच टी एम एल क्या लिख दिया मैं, ठीक है, एच टी एम एल, ठीक है। फिर क्या लूंगा, एच ई ए डी हेड टैग ले लूंगा जी। फिर मैं क्या करूंगा, टी आई टी एल ई टाइटल टैग ले लूंगा। फिर टाइटल टैग में मैं क्या कर दूंगा, टी आई टी एल ई, इसमें लिख दूंगा ये मोहन का है ना एच टी एम एल पेज, तो लिख दूंगा मोहन, ठीक। फिर हेड टैग को मैं क्या करूंगा, बंद कर दूंगा ऐसे, ठीक है। फिर मैं लूंगा बॉडी टैग, ठीक है। बॉडी टैग के अंदर क्या होता है जी, बॉडी टैग के अंदर स्टूडेंट के रिलेटेड जानकारी होगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, प्री टैग मैं लगा देता हूं, ठीक है। आप पैराग्राफ भी ले सकते हो और बी आर करके लाइन ब्रेक कर देना, ठीक है। अब यहां पे लिखूंगा मैं नेम, ठीक है, नेम में लिख दूंगा मैं मोहन, ठीक है। फिर कोर्स क्या है इसका, लिख दूंगा जी डी सी ए, ठीक है। एड्रेस, एड्रेस में क्या दे दूंगा, आई एन डी आई ए, आई एन डी आई ए, ठीक है, ये सब लिख दिया, ठीक। अब फिर मैं आ जाऊंगा ब्राउजर में, ठीक है, रिफ्रेश करूंगा तो मोहन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, मोहन नाम का डॉक्यूमेंट खुल गया मेरा, ठीक। लेकिन यहां तो पे कुछ दिखाई ही नहीं दिया जी, क्या करें, कुछ तो समस्या हो गया होगा। प्री टैग बॉडी टैग में क्लोज तो मैंने किया नहीं, ठीक है, फिर भी नहीं आया जी। अब हमने क्या गलतियां किया हुआ है, टाइटल भी क्लोज नहीं किया है, ठीक। इतना सारा हमने गलतियां कर दिया है, प्री टैग में भी नहीं क्लोज किया है हमने, ठीक है। तो नोटपैड में बनाने का यही फायदा होता है कि आपको आपके गलतियों का पता चलता है। अब मैं इसमें बना दे रहा था फटाफट फटाफट, लग रहा था कितना आसान है, क्यों, तो ये देखिए हो गया। अब मैं इसमें एंकर टैग कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा, वापस चला जाऊंगा मैं, एंकर टैग दे देता हूं, ठीक है, ए स्पेस एच रिप, ठीक, डबल कोट दिया यहां पे, और माई फर्स्ट एच टी एम एल इसका नाम था ना इस पन्ने का, ठीक है, तो माई फर्स्ट एच टी एम एल है तो ठीक है, My F I R S T first html dot html, यही नाम था ना। फिर इसको बंद करूंगा, फिर क्या करूंगा, go student list, ठीक। अब यहां पे क्या कर दूंगा जी, एंकर टैग बंद कर दूंगा, ठीक। अब फिर से रन कर दिया तो आ गया go student list, ठीक है। तो यहां पे मोहन नाम का स्टूडेंट है, इस पर क्लिक करूंगा तो खुल जाएगा ए वाला, ठीक, यहां पे मोहन का जानकारी आ गया। फिर से मैं वापस जाना चाहता हूं स्टूडेंट लिस्ट में, तो इसमें मैं क्लिक करूंगा, ये मोहन नाम का स्टूडेंट है। वैसे मोहन के जगह पे और कई सारे स्टूडेंट का लिस्ट होगा और उन सारों पे मैं क्लिक करूंगा तो उनके रिलेटेड डिटेल्स खुल जाएगा, ठीक। तो कुछ दिक्कत किसी को है तो कुछ पूछो जी, लिंक कैसे किया जाता है ऐसे, ठीक है। एंकर टैग आप पहले देंगे, फिर एंकर टैग के एट्रीब्यूट में एचरेफ लिखेंगे, फिर एचरेफ के एट्रीब्यूट में आप क्या दे देंगे, लोकेशन फाइल का नाम के साथ, ठीक है। तो मेरा दिखा रहा हूं आपको, जहां पे मोहन था वहीं पे माय फर्स्ट एचटीएमएल नाम का एचटीएमएल फाइल है, ठीक है, तो वहीं पे है, इसीलिए मैं सिर्फ फाइल नेम दे दिया, पूरा लोकेशन का जरूरत मुझे नहीं पड़ा, ठीक। तो कोई समस्या किसी को है, कुछ समझ में नहीं आया तो जरा आप लोग पूछ लो, नहीं पूछोगे, पूछोगे, कुछ पूछना है किसी को, हाँ, कोई ऐसा चीजें जो आपको समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ लीजिए मेरे से, ठीक।
शायद समझ में आ गया होगा। आपने देखा है वेबसाइट्स वगैरह में मेन्यूज वगैरह रहता है, इस पर क्लिक करते हैं तो अगला पेज खुलता है, उस पर क्लिक करते हैं तो अगला पेज खुलता है, वो ऐसे ही बनता है, बस थोड़ा उसमें डिजाइन रहता है, ठीक है, और इसमें डिजाइन नहीं है, ठीक है, लेकिन वो बनता इसी तरह से है कुछ, ठीक। तो पीछे किसी को कोई समस्या, कुछ पूछना है, नहीं पूछना है, पूछोगे भाई, नहीं पूछोगे, चलिए आगे चलें, क्या कहते हो? टाइम अच्छा कितना हो गया, मैं तो भूल ही गया देखना, 1:15। तो क्या विचार है, आगे और पढ़ने का इरादा है कि प्रैक्टिस करोगे? आप जैसा कहो, मैं दोनों के लिए रेडी हूँ। प्रैक्टिस करना, ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अगले दिन क्या पढ़ लेंगे? अभी मेरे को जस्ट याद आया, अच्छा हाँ, लिस्ट तो मैंने इसमें लिखा है, ठीक है, टेबल पढ़ लेंगे, ठीक है, फिर फॉर्म को पढ़ लेंगे, फॉर्म और उसमें कंट्रोल होता है, और लिस्ट को पढ़ लेंगे। लिस्ट में क्या आ जाएगा? लिस्ट में जैसे पहला आ जाएगा यूएल, ठीक, यूएल का माने अनऑर्डर लिस्ट, आपसे फुल फॉर्म पूछा जाएगा इसका, ठीक है, तो आप याद रखना, अनऑर्डर लिस्ट माने क्या होगा, बुलेट्स नंबर इसमें आ जाएंगे, क्या चीज, यूएल का फुल फॉर्म है अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है, और ओएल का फुल फॉर्म है ऑर्डर लिस्ट, ठीक। यूएल से अगर हम लिस्ट बनाएंगे तो क्या होगा, अनऑर्डर लिस्ट में तैयार होगा, ठीक, बुलेट्स नंबर वगैरह आएंगे, ठीक है, और ऑर्डर लिस्ट में क्या होगा, 1, 2, 3, 4 गिनती आएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले इस लिस्ट को पढ़ लेंगे, फिर टेबल पढ़ेंगे, ठीक, फिर पढ़ लेंगे फॉर्म कंट्रोल, ठीक है, उसके बाद है ऑडियो वीडियो फोटो वगैरह का टैग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना यार, ठीक है यार, कर लो प्रैक्टिस, फिर क्या कर सकता हूँ मैं। तो अगले दिन इन सबको खत्म कर दें, कोशिश करेंगे कि ये सब अगले दिन जो है खत्म हो जाए, मुझे उम्मीद कम है कि खत्म होगा, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो अगले दिन देख ले। उसके बाद आप लोगों का सी और सी प्लस प्लस है, मैं चाहता हूं कि 10, 15 या 20 दिन के अंदर सी पूरा खत्म कर दूं, ठीक है, तो खत्म हो जाएगा सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग वगैरह है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि फरवरी बीत ना पाए और फरवरी के अंतिम तक आपका सिलेबस मैं खत्म कर दूं पूरा, ठीक है। अच्छा, इसको मैं रोक लेता हूँ, फिर बाकी कल देख लेंगे।